जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा शायद डेवलपमेंट का तीसरा दिन है, तो आज हमारा जो टॉपिक है व्हीकल एडवर्टाइजमेंट। तो व्हीकल एडवर्टाइजमेंट के से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि जहाँ तहाँ आपने याद है दीवारों पर, पोस्टरों पर, अखबारों में, न्यूज टीवी चैनल में, कहीं भी आपको दिख जाएगा कि ये सेल, ठीक है। या कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी की कोई भी पॉलिसी होती है उसकी, ठीक है, आपको एक विज्ञापन दिखेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है तीन टाइप से काम करता है। एडवर्टाइजमेंट तीन टाइप से काम करता है, कौन कौन सा, ATL, BTL और DTL, ठीक है। तो ATL क्या है, ATL है अबव द लाइन। अबव द लाइन क्या होती है, जैसे कि रेडियो पे आप लोगों ने सुना है कभी, रेडियो तो आप लोगों ने शायद अब चलाया नहीं, जो आज से मतलब पिछले दशक के लोग थे, वर्तमान समय में रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता था, तो उसमें ही आपको व्हीकल के बारे में हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में हो, चाहे कोई कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे कोई भी एडजेट किसी भी चीज़ की, ठीक है, जानकारी लोगों तक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखा होगा, तो ATL का काम होता है, ATL के अंतर्गत जो एडवर्टाइजमेंट होता है जो रेडियो वगैरह के द्वारा किया जाता है, ठीक है, समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता है, रेडियो के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आया BTL। BTL क्या है, बिलो द लाइन। बिलो द लाइन मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि पंपलेट वगैरह गाड़ियों के पीछे, आजकल ऑटो के पीछे होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो एक उस टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि पैसे देकर, एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कि पैसे देकर थर्ड पार्टी द्वारा कराया जाता है, ठीक है ना। तो एक BTL के अंदर जो होता है पंपलेट्स वगैरह, फ्लैक्स वगैरह आपने देखा होगा, तो उस तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है। और एक होता है DTL एडवर्टाइजमेंट। DTL उसको मतलब है डिजिटल द लाइन। डिजिटल से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिटल, आज की दुनिया जो है डिजिटल फॉर्म में परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और फेसबुक, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, तो इसमें भी आपको YouTube पे वीडियो देखते हो उसमें भी एक झट से एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो मेन एडवर्टाइजमेंट का मेन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद होता है प्रॉफिट, ठीक है, और लोगों तक जानकारी पहुंचाना। तो उसके अंतर्गत हमारा है टॉपिक है व्हीकल एडवर्टाइजमेंट। तो गाड़ियों के बारे में, ठीक है, पहले आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में आने जाने के लिए बहुत समय लगता था, घोड़ा गाड़ी भी चलती थी, आविष्कार हुआ उसका, गल्लब भी चलते थे, ठीक है ना। तो उन सबको पीछे करने के लिए व्हीकल का एक व्हीकल यानी गाड़ियों का युग आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, आपकी टाइम की बचत हो गई, ठीक है ना, टाइम की बचत हो गई और समय आपका बहुत कम लगता है और आसानी से आपका ट्रैवलिंग भी आरामदायक हो जाता है। ट्रेन वगैरह तो पहले से चलती थी, लेकिन आम आदमी के लिए व्हीकल का आविष्कार हुआ। आज के टाइम में देखेंगे तो आप लोग इको व्हीकल का सिस्टम आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक युग आ गया है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ डिफॉल्ट हो गए हैं, वो पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक पे नहीं आएंगे हम, इसके प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं, तो प्रॉफिट ही बताएंगे। मेन प्रॉफिट तो यही है, मेन रीजन तो यही है कि आपका टाइम की बचत हो गई है और आपका सफर आरामदायक हो गया। पहले डल्लब पे अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ से नीचे ही जाना है, अगर आप गल्लब पे जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको, या घोड़ा गाड़ी पे जाएंगे तो टाइम लगेगा, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ होता है रोड, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको व्हीकल का यूज करना है। और इसके बाद अब व्हीकल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमारे लीडर बताएंगे, शैलजा मैम। थैंक यू। जो कोटेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं उसके बारे में बताते हैं, जैसे डिजिटल या फिर अखबार में या फिर कहीं पर भी। पहला है जैसे सेल राइट नाउ, जस्ट डोंट ड्रीम, मतलब आपको बताइए कितने सारे टेंशन है। तो मुझे ये लगता है अगर आप अपनी गाड़ी लेंगे ना, अपनी गाड़ी से आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो यकीन मानिए मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आप लोगों को। तो वेट मत कीजिए, बस सीधे जाइए और बाय कर दीजिए गाड़ी, अपनी ड्रीम कार। थैंक यू। व्हीकल जैसे हम जानते हैं कि नवाचार ने लोगों की जिंदगी में चेंजेस कर दिए हैं। व्हीकल एडवर्टाइजमेंट मोस्टली है कि लोगों को अवेयर करने के लिए। मार्केट में कई सारे व्हीकल्स होते हैं जिसपे लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो इससे फर्स्ट तो क्या होता है कि व्हीकल से
जो एडवर्टाइजमेंट है इससे लोग अवेयर होते हैं और जो सेलर है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस मेकर एडवर्टाइजमेंट ने लोगों की लाइफ में चेंजेस किए हैं और इससे लोगों को काफ़ी सारी जो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। जैसे पहले से लोगों को इधर उधर जाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज इस नवाचार ने लोगों के जीवन में चेंजेस कर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीकल एडवर्टाइजमेंट। इसको मेन रीज़न इसको लेने का ये है कि पहले तो ये हमें सुलिया सर ने बताया कि एडवर्टाइजमेंट क्या है क्या नहीं है। ये है आपका प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये प्रिंट फॉर्म में होता है। अब जैसे और भी होते हैं, जैसे ऑडियो है हम सुन के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, रेडियो में सुनते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, या टी वी पर लगे रहते हैं और बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के, बट ये है आपका प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। तो इसको मेन लेने का रीज़न ये है कि व्हीकल जो है आजकल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके इम्पॉर्टेंस रीजंस क्या क्या है कि अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी होगी तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आइए बस को रोकने की ज़रूरत नहीं है, किसी टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आप खुद चला के कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, धक्का मुक्की नहीं करनी है आपको कहीं पे भी, आप अपनी कंफर्ट जोन के साथ जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद आप कहीं भी जाना है, जहाँ जाना है बस जाइए, कोई ज़रूरत नहीं किसी का इंतज़ार करने की, किसी के कुछ भी। और जैसे कि तो इसलिए हमने व्हीकल एडवर्टाइजमेंट दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, हर किसी की एक ड्रीम होता है हमें गाड़ी चाहिए। जैसे मेरा भी है, मेरे को जॉब इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे थार चाहिए और मुझे थार लेनी है। तो वैसे ही हर किसी का एक अपना होता है ड्रीम, किसी की जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में वो बोलते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, हर किसी की एक ना एक बाइक होती है ड्रीम बाइक कि मुझे इस ट्वेल्थ के बाद लेनी है। तो इसीलिए व्हीकल एडवर्टाइजमेंट भी हमने यूज़ किया ताकि लाल सबको सबके पास पहुँचे चीज़ें। थैंक यू।